अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फरिया फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो का सबसे पहले आप देख सकें। तो आएँ, 2 मिनट तक आपका इंतज़ार करते हैं, 2 मिनट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं और मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। तो मामा, आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? बेटा, आज मैंने आपको आइस मोका बनाना सिखाया है। मैंने 3 टेबलस्पून जितनी कॉफ़ी ली है और 3 टेबलस्पून जितना ही मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। 3 टेबलस्पून चीनी शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून जितना पानी डाल दूँगी। पानी हमने नीम लेना है। नीम पानी इसके अंदर 3 टेबलस्पून डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और बीटर की मदद से हम इसको अच्छा बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो हैंड बीटर ले लें, वो भी नहीं है तो आप इसको फोक की मदद से भी बीट कर सकते हैं। आप जितना अच्छा इसको बीट करते जाएंगे इतनी ही ये फ्लफ़ी होती जाएगी। ये देखिए, इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और हमारी कॉफ़ी भी फ्लफ़ी होना शुरू हो गई है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना पानी डालते जाएं और इसको मज़ीद बीट करते जाएं। ये देखिए, मैं एग बीटर की मदद से इसको बीट करती जा रही हूँ। कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी कॉफ़ी तैयार हो रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी और इसको मज़ीद बीट करूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा बॉल तैयार हो जाएगा। आप इसको 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं गिरी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी कॉफ़ी इसके अंदर फ्लफी हो चुकी है। अब मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। आप इसको एयर टाइट जार में बंद करके रख दें। इसी तरह आपकी कॉफ़ी तैयार होकर रह जाएगी, बिल्कुल जैसे जब भी दिल चाहेगा आप इसको 2 चम्मच निकालें। और इसको कोल्ड बनाना है या हॉट बनाना है तो इसको बस निकालिए और बना लें। कितनी फ्लफी है ये देखिए, चम्मच की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। अब मैंने एक ब्लेंडर लिया, उसके अंदर मैंने बहुत सारी बर्फ़ डालकर इसको हम लोग काफ़ी हद तक बिल्कुल चिल कर लेंगे, ताकि हम लोग इसके अंदर जब दूध के कॉफ़ी के अंदर डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी कॉफ़ी तैयार होगी। मैंने चॉकलेट मिल करके रखी हुई है, इस तरह मैंने ग्लास के ऊपर लगा दिया हुआ है। जब अपने बच्चों को या बड़ों को देंगे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। ग्लास हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जिसमें हमने इसको सर्व करना है। अब मैंने एक जग लिया, उसके अंदर मैंने मज़ीद आइस डाल दी है। तो मैंने मिल्क चिल करके रखा हुआ था वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है, और कॉफ़ी जो मैंने बीट करके रखी है वो इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे। कॉफ़ी डालने इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून जितनी कॉफ़ी डाल दूंगी, इससे हमारे 3 ग्लास तैयार हो जाएंगे। अब बीटर की मदद से हम इसको बीट करेंगे। ये कितनी फ्लफी सी हमारी बहुत मज़े की चिल सी बहुत ही मज़े की कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। अब जो मैंने ग्लास बना कर रखे हुए थे, अब मैं उसके अंदर इसको सर्व करूंगी। ये देखिए कितनी मज़े की हमारी कॉफ़ी लग रही है। अब मैं इसको ग्लास में सर्व करने लगी हूँ। कितनी फ्लफी हमारी चॉकलेट कोल्ड कॉफ़ी लग रही है, बहुत ही मज़े की। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है।
अब मैं इसके ऊपर आइसक्रीम डाल दूंगी। आइसक्रीम मैंने खुद घर पर तैयार की है, इसकी रेसिपी मेरे पेज पर मौजूद है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। मैंने चॉकलेट आइसक्रीम घर पर ख़ुद तैयार की है, बहुत ही ईजी और आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ईजी लगेगी। सारी चीज़ें अपने घर पर ही बच्चों को तैयार करके दें, इंशाल्लाह ये आप पूरी सर्दी आपके बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे इसको। आइसक्रीम का आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चॉकलेट पसंद है इसलिए मैंने चॉकलेट आइसक्रीम ही बनाई है। आप इसके अंदर मैंगो डाल दें, वनीला डाल दें, वो आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई सा भी फ्लेवर आप डाल सकते हैं। ये कि बिल्कुल बहुत ही मज़े की हमारी कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। बच्चे बड़े सब इसको बहुत ही शौक़ से पियेंगे, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद है वाली और बहुत ईजी है, झटपट तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं तो आप बस उनको बना कर दें तो बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। आप इसको बल्कि कॉफ़ी को बनाकर घर पर रख लिया करें, जब दिल चाहे इसको निकालें और बनाकर पी लें। अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया हुआ है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। अगर आपको कुछ नया सीखना है मुझे वो भी बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। नई सीखने वाली बच्चियों के लिए तो बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।